जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। अभी हम लोग हैं मनाली में। इस होटल में हम लोग कल रुके थे, होटल जन्नत मनाली, और लगभग 5 किलोमीटर मनाली से आगे आकर है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, बिल्कुल हाउसफुल चल रहा है मनाली में, तो इसलिए मेन मनाली में हमें होटल नहीं मिला। बाकी आज का जो सफ़र हमें करना है वो लगभग 250-300 किलोमीटर है। चंडीगढ़ तक हम सोच रहे हैं कि चले जाएँ। टाइम की बात करूँ सुबह के 11 बज रहे हैं। चलिए अपनी ट्रिप के डे 11 की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ मुसाफिर गाइड डेविड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ये रहा मेरा छोटा भाई है। चलिए घर की ओर बढ़ते हैं। लगभग श्रीगंगानगर यहाँ से है 580-590 किलोमीटर। एक दिन में वो कवर नहीं होगा, कोशिश करेंगे आज चंडीगढ़ पहुँच जाएँ, और कल रह जाएगा 335 किलोमीटर। आज से गर्मी हमें फेस करने को मिलेगी, तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे मोटो व्लॉगिंग मोड पर। चलिए जी दिन की शुरुआत करते हैं भोले के नाम के साथ, हर हर महादेव। अच्छे से जाएं और अच्छे से घर पहुंच जाएं, और आज मनाली से निकल जाएंगे हम, और बहुत सारी गर्मी हमारा इंतज़ार कर रही है पहाड़ों के बाद। तो ये सभी बसेस जो हैं ये दिल्ली से आती हैं, जैसे कि आपको पता है रोज़ाना जो है 200 बसेस दिल्ली से मनाली आती हैं। तो चलिए जी देख लीजिए जी आज पहाड़ों को, और क्योंकि कल से तो पहुंच जाएंगे हम लोग पंजाब और फिर राजस्थान में। बाकी अभी तो मौसम थोड़ा सा ठीक है, गर्मी इतनी फील नहीं हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आगे पहुंचेंगे, पहाड़ उतरेंगे, गर्मी बढ़ती जाएगी। बाकी एक बार नज़ारे देखो यार, क्या बात है। ये जो साथ में हमारी रिवर बह रही है ये है ब्यास रिवर, और ये जो है मंडी तक हमारे साथ चलेगी। और अभी तो यार बढ़िया है, मंडी तक रास्ता सही चलेगा। बाकी मंडी से दो रास्ते कटते हैं, एक तो औथ होकर निकलता है और दूसरा आईआईटी मंडी वाला है। तो शायद हो सकता है हम आईआईटी मंडी वाला रास्ता लें, बिकॉज़ औथ वाले रास्ते से मैं बहुत बार पहले आ चुका हूँ, एंड वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, एंड इतनी ऑफ रोडिंग करने के बाद अब बिल्कुल भी मन नहीं है ऑफ रोडिंग और करने का। तो देखते हैं कहाँ से जाते हैं, आगे चलकर पता लगेगा। एंड हियर वी हैव रीच्ड कुल्लू, और मनाली से अभी 40 किलोमीटर आए हैं, कुल्लू पहुँचे हैं। सुबह के 11:15 हुए हैं, गर्मी हो गई है भाई। मतलब मनाली में मौसम अच्छा था, ठंडा था, लेकिन कुल्लू पहुँचते ही मौसम गर्म हो गया है, मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब यही रहेगा जी, अब तो गर्मी ही मिलेगी और ये बढ़ती ही जाएगी। अभी टेम्परेचर पहुंच गया जी 28 डिग्री, शाम होते होते पहुंच जाएंगे हम लोग 40-45 डिग्री में, और शायद कल 50 डिग्री तक भी जाएगा। एक बार रोड देखिए यार। हाँ जी, तो आप सोच रहे होंगे ये हाईवे से हम इतनी पतली सी रोड पर कैसे आ गए। तो कुल्लू से निकलने के बाद हमने जो है आईआईटी मंडी वाला रूट पकड़ लिया, बिकॉज़ हाईवे के थ्रू मैं पहले कई बार जा चुका हूँ, और कुल्लू के बाद आगे जो मंडी तक हाईवे है वो पूरा ख़राब है। एक्चुअली वहाँ टनल का काम चल रहा है, तो वहाँ पे 60 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा है, वो 60 किलोमीटर में लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो हमने सोचा इस बार वो स्ट्रेच स्किप करते हैं और आईआईटी मंडी वाले रूट से चलते हैं। तो जी अब ऐसी पतली ही रोड से जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ इस रोड पे हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है और कुछ नया भी देखने को मिलेगा। तो ठीक है जी, चलते हैं बस यहीं से सफ़र को एंजॉय करते हुए। और ग्रीनरी देखिए यार इस रास्ते पर, क्या बात है। ये रास्ता हमें हिमाचल प्रदेश के लोकल जो छोटे छोटे गाँव हैं उनके बीच में से ले जाएगा। गाइस ये देखिए रोड देखिए कितनी प्यारी है, मतलब बाइक निकल रही है तो भी, मतलब ये है सिर्फ 2 बाइक निकल सकती है, इतनी प्यारी और इतनी पतली रोड है ये। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और जब वो हाईवे नहीं होता था जो चंडीगढ़ से मनाली को कनेक्ट करता है, उससे पहले यही रोड थी। आज से लगभग 10-15 साल पहले जब लोग आया जाया करते थे यहाँ से, बाकी जब से हाईवे बन गया है तो अब लोग इस रास्ते का यूज़ इतना नहीं करते हैं। यहाँ के लोकल लोग ही सिर्फ जो है इस रास्ते को अब्यूज़ करते हैं, क्योंकि इस रास्ते पे अभी तक मैंने सिर्फ लोकल गाड़ियाँ देखी हैं जो HP नंबर की हैं। बाहर के लोग इस रास्ते पर नहीं आते, क्योंकि गूगल भी ये रास्ता बेसिकली सजेस्ट नहीं करता।
बट हाँ, अगर आपको वो 60 किलोमीटर का स्ट्रेच बचाना है, बिकॉज वो इतना गंदा स्ट्रेच है ना, पूरी मिट्टी मिट्टी और एकदम धूल, परेशान हो जाते हैं पूरे, और इतना ट्रैफिक, तो आप ये रास्ता ले सकते हैं। टाइम इसमें भी उतना ही लगेगा, बिकॉज ये पतला रास्ता है, घुमावदार है, जंगल के बीच में से जाएगा, तो टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन हाँ, ट्रैफिक से आप बच जाएंगे और नेचर को इंजॉय करते हुए जाएंगे और हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे प्यारे प्यारे गांवों को देखते हुए जाएंगे। गाइस ये देखिए, जो मंडी वाला हमने रास्ता लिया, आईआईटी मंडी वाला, उसकी खासियत पीछे देखिए, पूरा पूरा जंगल है, पूरा जंगल, ठीक है। और ये यहाँ प्यारा सा ढाबा बना हुआ है, इधर अभी हमने रुक के नींबू पानी पिया था, बाकी रास्ता ही अच्छा है। अभी अंकल से भी हमने बातचीत की, उन्हें बताया जो मेन हाईवे निकलता है वो लंबा भी पड़ता है, ये रास्ता भी छोटा है, थोड़ा सा सुनसान है, जंगल वाला एरिया है, लेकिन रास्ता अच्छा है। बस जी हो गया है, यहाँ से चलते हैं अभी मंडी, यहाँ से है 39 किलोमीटर और मंडी, फाइनली मंडी में। और टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया आईआईटी मंडी रूट पे वो था 40 किलोमीटर, टाइम लगा 1.5 घंटा, बट रोड बढ़िया थी, ट्रैफिक नहीं मिला। तो जी पहुंच गए हम लोग सुंदर नगर, और ये देखिए सुंदर नगर की प्यारी सी नदी साथ साथ, और इसी के साथ बहुत तेज़ गर्मी ने भी दस्तक दे दी है, विंटर लाइनर्स वगैरह जितने भी थे वो उतर चुके हैं, अब एकदम नॉर्मल कपड़ों में हम आ गए हैं। और भाई गर्मी तो बस क्या बताएं, बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गर्मी ना सहन नहीं हो रही, बिकॉज़ इतने दिन ठंड में रह लिया, वैसे लग रहा है कि यार ये कहाँ आ गए एकदम से। तो जी सुंदर नगर से निकल गए हैं, और अब लिया हमने लंच ब्रेक पंजाबी फूड कोर्ट, सुंदर नगर से 10 किलोमीटर आगे आने पर, और भाई इतना ख़तरनाक लेवल का भी ट्रैफिक मिला है, बस क्या बताएं। चलिए अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं। तो गाइस आ गए फाइनली वापस हम लोग गर्मी में, सफ़र लद्दाख का सेकंड लास्ट डे है, अभी पहुंच चुके हैं हम लोग लगभग सुंदर नगर से 15 किलोमीटर आ गए। खाने में ऑर्डर किया ये दाल मखनी और साथ में बटर रोटी, क्या बात है जी, अपना पंजाबी खाना। और ये अपना पंजाबी खाना सही बता रहा हूँ, 10 दिनों बाद मिला आज, देख के इतना बढ़िया लग रहा है ना, पंजाबी ढाबा नाम देखा वहीं रुक गए बस, बस खाना खाएंगे फिर आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। आज का टारगेट ये है कि जलंधर या फिर चंडीगढ़ तक पहुँच जाएँ, नाइट स्टे वहाँ करें, और फिर कल जो है गंगानगर का आगे का स्ट्रेच पूरा करें। बाकी खाना वाना खाते हैं फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, आपसे मिलते हैं इसके बाद मोटो व्लॉगिंग मोड पर। कुछ खाना वाना खा के हो गया था, उसके बाद हम लोग निकल गए हैं और 25 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और अब हम क्रॉस कर रहे हैं बिलासपुर, और कुछ ही देर में अब जो है पहाड़ छूट जाएंगे जो पिछले 10 दिन से हमारे साथ चल रहे थे, और हम लोग पहुंच जाएंगे प्लेन सड़क पर। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, शाम के हो रहे हैं 4:30, सुबह निकले थे 10:30 बजे मनाली से, 6 घंटे लग गए बिलासपुर आते आते। तो भाइयों ये गेट देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि फाइनली वी आर गोइंग टू एंटर इन पंजाब, पहुंच गए जी पंजाब में, हिमाचल को बोल दिया बाय बाय, बहुत अच्छा लगा, लास्ट के 10 दिन बेस्ट डेज थे लाइफ के, थैंक यू माउंटेंस, थैंक यू फॉर लास्ट मेमोरेबल डेज, थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल द माउंटेंस फॉर कीपिंग अस सेफ एंड हैप्पी फॉर लास्ट 10 डेज। तो भाई मज़ा आ गया लास्ट के 10 दिनों में हिमाचल और लद्दाख में, और अब हम लोग ऑफिशियली वापस आ चुके हैं पंजाब में। तो गाइस मनाली से शुरू हुआ सफ़र आ पहुंचा है रूपनगर, पंजाब में हम लोग पहुंच गए हैं, और आज का जो लास्ट स्टे है हमारा लद्दाख ट्रिप का वो रहेगा गुरुद्वारा साहिब में। अभी हम लोग हैं रूपनगर पंजाब में, और यहीं पर हमने गुरुद्वारे में स्टे लिया है, और काफ़ी पीसफुल है, बहुत अच्छी बात है कि ट्रिप का लास्ट स्टे आज गुरुद्वारे में है। और अगर मैं बात करूँ रूम काफ़ी अच्छा है, अभी मैं आपको रूम टूर दे दूँगा, सिर्फ 200 रुपीज़ हमने पे किया है, उसके अलावा कुछ भी चार्जेस नहीं है। और एक बार देखिए यार, और मेरे साथ बोलिए ना सही, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।
तो चलिए अभी चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते हैं, उसके बाद लंगर चखेंगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे, बिकॉज़ कल सुबह मॉर्निंग का जो प्लान ये है 7 बजे यहाँ से निकलना है। अगर 7 बजे यहाँ मॉर्निंग में निकलेंगे तभी हम जाकर लगभग 12-1 बजे तक श्री गंगानगर पहुँच पाएंगे। तो चलिए चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। डिमांडिंग थिंग व्हेन यू आर कमिंग टू एनी गुरुद्वारा, मैं पहले पूछती हूं तो अभी गुरुद्वारा भट्टा साहिब रूपनगर में है, बाबा जी के दर्शन आपने कर दिए, अब टाइम है जी लंगर चखने का, तो लंगर चखते हैं। अभी देखिए लंगर में इन्होंने रोटी दी है, चावल दी है और यहाँ लंगर में दाल भी है, तो एक बार बोलिए तो सही, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चलिए लंगर चखते हैं और उसके बाद चलेंगे, फिर आगे कल सुबह आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो जी गुड मॉर्निंग, आज हो गया नेक्स्ट डे और हमने रात को गुरुद्वारे में स्टे लिया था जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कुछ इस तरह का हमें रूम मिला था, देखिए सिंपल सा रूम था और इस तरह का यहाँ पर वॉशरूम मिल गया था हमें, और ऐसे कोई यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ज नहीं है, बट 200 रुपीज़ उन्होंने जो लिया वो भी यहाँ का साफ़ सफाई और रख रखाव के लिए होता है, मेंटेनेंस के लिए, तो ठीक है। आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएं, गुरुद्वारे आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे, गुरुद्वारे में आप स्टे कर सकते हैं। तो बस सामान वगैरह हमारा सारा पैक्ड है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये खड़ी नीचे बाइक, बस सामान उठा रहे हैं, बाइक पर लोड करेंगे और 10 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। टाइम हो रहा है सुबह के 6, तो लगभग यहाँ से श्रीगंगानगर है 328 किलोमीटर, तो देखते हैं 1-1.5 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, बिकॉज आज गर्मी बहुत मिलने वाली है, तो जितना जल्दी घर पहुँच पाए उतना बढ़िया रहेगा। चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और सीधा मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड पर #सफ़रलद्दाख का। जी तो आ गए श्री गंगानगर वापस, वेलकम टू राजस्थान। राजस्थान से शुरू हुआ ये सफ़र लद्दाख का, वापस आ चुका है राजस्थान के श्री गंगानगर में। टाइम की बात करूँ तो दोपहर के 1 बज रहे हैं, आज हम निकले थे सुबह 6:15 बजे, तो लगभग हमें जो है 7 घंटे लगे 350 किलोमीटर आने में। तो जी आई होप आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ लद्दाख की जो है बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में। दिस इज़ मुसाफिर गाइड डेविड साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल #सफ़रलद्दाख का।